झारखंड के सरकारी खजाने से उड़ा लिए गए 22 करोड़ गुजरात के साइबर अपराधी पटेल अमित चंदूलाल की ये करतूत है। फर्जी चेक से सरकारी खजाने से 22.03 करोड़ की निकासी की गई है। गुमला सरायकेला और पलामू के बैंक से फर्जी निकासी की गई है। भू अर्जुन कार्यालय से 12.60 करोड़ की फर्जी निकासी की गई है। झारखंड पुलिस की गिरफ्त से दूर साइबर अपराधी चंदूलाल असली और फर्जी चेक पर अंतर होने पर भी बैंक अधिकारियों ने पास कर दिया। कल्याण विभाग के 9.05 करोड़ रुपए साइबर अपराधी के खाते से वापस सरकारी खाते में लाया जा सकेगा। तो सरकारी खाते में लाई जा सकी है रकम। कल्याण विभाग के 9.05 करोड़ साइबर अपराधी झारखंड के सरकारी खजाने से उड़ा लिए 22 करोड़। गुजरात के साइबर अपराधी पटेल अमित चंदूलाल की ये करतूत। गुजरात सरायकेला और पलामू के बैंक से फर्जी निकासी। भू अर्जुन कार्यालय से भी निकासी की गई। तो 22 करोड़ की फर्जी निकासी की गई है। फर्जी चेक से सरकारी खजाने से 22.03 करोड़ की निकासी की गई। गुमला सरायकेला और पलामू के बैंक से फर्जी निकासी। और सहयोगी अंजनी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। झारखंड के सरकारी खजाने से अंजनी 22 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। साइबर क्राइम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब सरकारी खजाने पर भी उन्होंने हाथ साफ कर लिए। हाँ देखिए, साइबर क्राइम के माध्यम से जिस तरह से लगातार कई घटनाएं जो है झारखंड में घटी हैं, और ये जो अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट आया है ये मामला गुमला जिला का है, इसके अलावा और कई जिलों में ये घटनाएं घटी हैं। देखिए, ये पूरे रिपोर्ट में आप देखेंगे तो जो फर्जी जो चेक से जो निकासी मतलब पैसे निकाले गए हैं और जो मूल जो चेक है उन दोनों में काफ़ी अंतर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि जो स्टेट बैंक के जो अधिकारी हैं जिनके जो चेक देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लापरवाही नज़र आती है, ऐसा लगता है रिपोर्ट के माध्यम से। तो अब ये जाँच का विषय है, उसमें से कुछ पैसे की रिकवरी भी की गई है। अब देखना ये होगा कि ये जो साइबर क्राइम है ये झारखंड का है या इसका कनेक्शन झारखंड से भी जरूर होगा, ऐसे मूलतः ये रहने वाला गुजरात का है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से साइबर क्राइम जो है लगातार अपना नेचर और बिहेवियर बदल रहा है, पैसे निकालने के पैसे ठगने के जो तरीके हैं वो ये लोग बदल रहे हैं और बड़ा माहिर होते हैं, लेकिन झारखंड पुलिस जो झारखंड का जो क्राइम जो साइबर टीम है इससे पहले भी कई घटना देने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लगातार गिरफ्तारियां भी हुई है। अभी रामगढ़ में हुआ है, संथाल परगना के कई जिलों से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हमें लगता है कि अब इनका जो साइबर क्राइम के जो लोग हैं उनका सीधा टारगेट जो है सरकारी खजानों पर है। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को लेकर जो इन्फॉर्मर होते हैं साइबर क्राइम करने वाले लोगों का भी जो इन्फॉर्मर होता है वो कहीं ना कहीं हर जिले में मौजूद है। इन तमाम जो घटनाएं घटी हैं जिस तरह से पैसे निकाले गए हैं तो ये बिना इन्फॉर्मर के तमाम चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम का जो जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं, पैसे निकाले जा रहे हैं और सरकारी खजानों पे निशाना है, तो हमें लगता है कि अब एक बार फिर से जो साइबर की जो टीम है झारखंड में
उन्हें इन चीज़ों पे पैनी नज़र रखनी होगी। देखिए, दो तीन महीना पहले की घटना भी है, आपको भी याद होगा, ज्योत्सना रांची के सदर हॉस्पिटल में जो है जो मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के दौरान जो है कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का एक बड़ा टारगेट बना था, और ये घटना दो तीन जिलों में भी घटी थी। तो उस समय भी हम कह सकते हैं कि जो साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं, अब सरकारी खजाने और सरकारी ऑफिस, सरकारी हॉस्पिटल पे इन लोगों का एक सॉफ्ट टारगेट हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर झारखंड की जो साइबर टीम है काम भी कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी खजाने से पैसे की निकासी करना फर्जी चेक के माध्यम से, और ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सरकारी खजानों को भी सुरक्षित रखने के लिए सरकार को, विभागों को आगे आना होगा, क्योंकि सेम टू सेम जो चेक है वो इश्यू कर लेते हैं, बना लेते हैं और पैसे की निकासी करते हैं, लेकिन जिस विभाग का चेक है उसकी कॉपी पूरी तरह से उन लोगों के पास कैसे गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल है, इसका मतलब अंजनी ये समझा जाए कि जो भी इस तरह से साइबर अपराधी जो सक्रिय हैं, देखिए गुजरात से लेकर झारखंड तक उनके तार जुड़े हुए हैं, कई और राज्यों में भी उनके तार जुड़े होंगे, क्योंकि आम लोगों के पास जो वो ठगी करते थे तो धीरे धीरे जो साइबर अपराधी हैं उन पर लगाम कसने लगी थी, इसलिए उन्होंने रुख कर दिया। अब सरकारी खजानों पर उनका ध्यान गया है और वहां वो हाथ साफ कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र में एक तो जल्दी चीजें पता नहीं चल पाती हैं और दूसरी जब पता चलेंगी तो जांच होते होते भी काफी वक्त लग जाता है, तो शायद इसलिए अब सॉफ्ट टारगेट अगर हम कहें तो सरकारी खजाने हो गए हैं साइबर अपराधियों के लिए। हाँ देखिए, मतलब जो साइबर अपराधी हैं उन्हें अब ये पूरी जानकारी रह रही है कि किन योजनाओं के तहत हर जिले में क्या क्या काम हो रहा है। तो ये जो पैसे की निकासी की गई है ये शौचालय निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप समझिए एक साइबर क्राइम जो गुजरात में बैठा है और शौचालय निर्माण का पैसा कैसे निकालना है, तो ये आप समझिए कि उसके जो काम करने के जो तरीके हैं वो अपना तरीका बदल रहा है। यही वजह है कि झारखंड में जो सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनको अब ये लोग निशाना बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके तार, भले वो गुजरात में इसके आका बैठे हो, साइबर क्राइम करने का जो चीफ है वो गुजरात में हो, लेकिन इसके जो कनेक्शन है हमें लगता है कि राज्य के सभी जिलों में अपने अपने लोगों को तैनात रखा है, क्योंकि एक सरकारी योजनाओं का जानकारी रखना और वो भी गुजरात का आदमी, तो ये एक बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि अब जो साइबर की टीम है इन चीज़ों को लेकर गंभीरतापूर्वक काम करेगी और आने वाले समय में इनकी भी गिरफ्तारी होगी, पैसे की रिकवरी भी होगी, क्योंकि झारखंड का जो साइबर टीम है अब काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और पैनी नज़र रखते हुए ऐसे अपराधियों पे, ऐसे क्राइम करने वाले साइबर जो क्रिमिनल हैं, साइबर अपराधी हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। बिल्कुल, और पैसे तो तमाम की लोगों की गिरफ्तारी होगी अंजनी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो साइबर अपराधी है वो जल्द से जल्द गिरफ्त में होंगे, क्योंकि देखिए सरकारी खजाने की ये बात है और सरकारी खजाना आम लोगों की जेब से ही भरा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गुजरात से बैठ कर फर्जी निकासी की गई है सरकारी खजाने से, कल्याण विभाग से निकाला गया है, हालांकि उसे वापस लाया जा सका है। झारखंड के सरकारी खजाने से 22 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।